गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। साथियों, मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेक्सिकन 2023 के एडिशन से चैप्टर नंबर 2 को प्रेजेंट कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी और ये उसका पार्ट 1 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो चैनल को साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब इस वाले एडिशन में हमने जो अपना चैप्टर 1 कम्प्लीट किया था साथियों, उसके अंदर हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करी थी कि केस स्टडी कौन कौन सी थी, अलग अलग प्रकार के केस स्टडीज़ को डिस्कस किया था, उसमें अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स लगे थे। और जब वो कॉन्सेप्ट लग रहे थे तो मैं आपको बार बार बोलती जा रही थी कि परेशान मत होइए, आगे आने वाले चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है, साथ में केस स्टडीज़ को भी बताया गया है कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्योंकि पुराने एडिशंस में यहीं से शुरुआत थी। अब इस बार इन्होंने पहले केस स्टडीज़ दिखा दी, ठीक है। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट भाग को लेक्सिकन की इस एथिक्स की सीरीज़ में, केस स्टडी क्या होता है, GS 4 पेपर जो एथिक्स का है इसके अंदर केस स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। तो केस स्टडी क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं, किसी केस की स्टडी करना। अब ये क्या हुआ मैम, आपने तो हिंदी बता दी एक चीज़ की। देखिए दोस्तों, ये जो केस है ना, ये किसी भी घटना पर आधारित हो सकता है, या तो हो सकता है कि कोई रियल लाइफ इवेंट हो या कोई प्रॉब्लम हो, और या तो कोई हाइपोथेटिकल हो कि इमेजिनरी है, बनाई गई है कि कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा काम हो रहा है। तो एक प्रॉपर सिचुएशन ऐसी बनाई जाती है जिस सिचुएशन में आप एक ऐसी गफलत में, एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज से घिरा हुआ केस होता है जो आपको मजबूर कर देता है इस बात पे सोचने पे कि आप खुद के बारे में सोचें, या पर्सनल इंटरेस्ट, अपनी फैमिली वगैरह वगैरह इसके बारे में सोचें, या आप अपने वर्क प्लेस से जुड़े हुए जो भी आपके दायित्व हैं उनके बारे में सोचें। तो कैसे होगा और ये इसलिए किया जाता है, आपको ये पेपर क्यों दिया जाता है दोस्तों, इसलिए दिया जाता है क्योंकि कभी आप एज एन ऑफिसर फंस गए किसी सिचुएशन में जहाँ पे इस तरीके के डिलेमास को आपको फेस करना पड़ा, तो आप क्या करोगे, आपका डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस होगा उन चीज़ों से, इस चीज़ को जानना चाहती है UPSC, ठीक है ना। तो केस को जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें अपनी नॉलेज लगाते हो, अपनी थिंकिंग स्किल लगाते हो, और कि भाई रियल सिचुएशन जैसी है उस हिसाब से लेते लेते आप क्या क्या सोच सकते हो, आप उस चीज़ को लगाते हो, एनालाइज करते हो, लॉरेज लगाते हो, रीज़न देते हो, और उसके बाद कंक्लूजन निकालते हो। तो अब एक बार यहाँ समझिएगा कि कारदोस, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मुँह जवानी समझते रहिए, कारदोस एंड स्मिथ 1979, इनके हिसाब से एक अच्छा केस क्या होता है, एक अच्छा केस अगर आपके सामने रखा जाए तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि पहला कि इसको रियल लाइफ इवेंट से लिया गया हो, किसी के सामने सच में ऐसी कोई सिचुएशन हो, मतलब ट्रू आइडेंटिटीज में भी कंसील्ड, एकदम रियल लाइफ सिचुएशन से उठाया गया केस हो। दूसरा कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होने चाहिए और हर एक पार्ट की जो एंडिंग हो उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो, या ऐसा कुछ सिचुएशन हो जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन का मुद्दा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम इजी कि हाँ भैया उन्होंने प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट इजीली सॉल्व हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा था, है ना। उस प्रोजेक्ट के बीच में कोई ना कोई एक विलन हो, कोई ना कोई हीरो हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही हो जनता को, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा हो जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाए। तीसरा, केस में क्वालिटी ये होनी चाहिए कि अच्छी खासी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक रीडर के लिए। जैसे आप हैं, आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जब केस को पढ़ें तो आप इस केस को पढ़ के, किसी भी केस को पढ़ के ये चीज़ समझ लें कि आखिरकार सॉरी प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, उन सबको आप जान सकें, तब अपने हिसाब से तभी तो आप आंसर बनाएंगे। ये तो है नहीं कि आपको बिल्कुल पता नहीं उल्टे सीधे क्या दे दिया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और इट इज़ बिलीवेबल फॉर द रीडर कि जो केस है उसके अंदर सेटिंग हो, पर्सनालिटीज़ हो, सीक्वेंस हो, इवेंट्स के इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, प्रॉब्लम हो, क्या कन्फ्लिक्ट्स हो, ये सब समझदारी से समझ के आ जाए उस प्रॉपर रीडर को, या इस सिचुएशन में पेपर ये केस में आप हो गए, ठीक है। तो मतलब आप समझिए कि केस स्टडी का कुल मिला के मतलब ये हुआ कि आप उस सिचुएशन में खड़े हैं ऐसी चीज़ में जो आपके एंगेजमेंट से ही यहाँ पे चीज़ें अच्छी या बुरी हो रही हैं, तो आपको बेस्ट मेथड का यूज़ करना है और उसको जो है वो आंसर करना है। तो ये बात है।
और यही एक तरीका होता है ना कि देखिए जो सिंपल आप अभी तक तो जो एग्ज़ाम देते आए हैं GS 1 2 3 में, तो उसमें तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं। आपको एक अलग पर्सनालिटी बनाने वाली आपकी एथिक्स ही होती हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो इनमें बहुत अच्छा भी बनने की ज़रूरत नहीं है, जो एक इंसान नॉर्मली करता है वैसे ही करने की ज़रूरत है, जो कि हम कई बार अपनी पुरानी केस स्टडी के जो Chapter 1 था उसमें डिस्कस भी कर चुके हैं। अब आपके सामने दूसरी बात आती है कि टाइप्स ऑफ केस स्टडी। दोस्तों कितने तरह की केस स्टडीज होती हैं देखिए समझिएगा। जो सिविल एग्जामिनेशन है ना, इसका GS 4 पेपर है एथिक्स का, वो आपको पता ही है। इसके अंदर केस स्टडी का एक सेक्शन होता है जिसमें अगर आप देखो तो इसके अंदर 100 से ज़्यादा मार्क्स तो इसी के हो गए। तो एक स्ट्रांग एरिया हो गया ना, इसमें आप स्कोर अगर बढ़िया कर दो तो बढ़िया आपका पेपर हो जाएगा। तो केस स्टडी को समझना तो बहुत ज़रूरी है कितने तरह की हैं। तो अब तो ये हो गया, गफलत में कैसे खुद को बचाना है, इसके लिए हमने केस स्टडीज़ को डिस्कस करा काफ़ी सारे। तो ऐसे जो डेलिमा होता है ना, जब गफलत पड़ती है, जो डेलिमास होता है, क्या करें क्या ना करें, तो इसको डील करने के लिए आपको एक अच्छे मॉरल स्टैंडर्ड्स आपके अंदर होने चाहिए। और एक अच्छा तरीका, आप देखा जाए तो एथिक्स केसेस जो बेस्ड होते हैं कुछ तरह के गोल्स पे, कोई चीज़ के उद्देश्य पे, ऑब्जेक्टिव से, तो इनको आप स्टैंडर्ड एथिकल प्रैक्टिसेस से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो अलग अलग तरह के केस होते हैं और उनमें एक जैसी स्ट्रैटेजी तो लगेगी नहीं सॉल्व करने के लिए, तो अलग अलग ही इस तरह की स्ट्रैटेजी चाहिए हैंडल करने के लिए। इस तरह का जो अप्रोच है उसे टैकल कर सकते हो ऐसे डेलमास को। ठीक है, आइए अब समझते हैं कैसा है। किसी भी केस में जो केस स्टडी है वो यहाँ पे इन चार में से एक तरह की देखने को आपको मिल जाएगी। ये आपके सामने आ गया, एक हो गया यहाँ पे इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज, दूसरी हो गई एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज, और तीसरी हो गई क्यूमुलेटिव केस स्टडीज, और चौथी हो गई क्रिटिकल केस स्टडीज। अब इसी के अंदर मैं आपको विद एग्जाम्पल चीज़ों को समझाती रहूँगी। तो शुरुआत हम यहाँ करते हैं इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज से। ठीक है, अब ये किस तरह की होती हैं? इलस्ट्रेशन मतलब इसको नाम से एक बार रिलेट करके देखो तो ये प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव है नेचर में, अच्छे से सब बता गया है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एक कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, या आप कह लीजिए कि प्रॉपर चीज़ें हर चीज़ में डाली गई है, कहाँ से शुरू हुई, क्या दिक्कत हुई, सब लोग कौन कौन इन्वॉल्व थे, कहाँ से फंसते फंसाते जो है वो सिचुएशन जो है आपके तक पहुँची है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कि ये कि इस तरह की केस स्टडीज़ ऐसी चीज़ों को सामने लाती हैं जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो वो प्रॉपर डिटेल से ले आती हैं। तो आप कहेंगे कि मैम अगर एग्जाम्पल बता देती अगर आप, तो थोड़ा सा हमें अभी ही समझ में आ जाता है कि आप क्या कह रही हैं। तो देखिए हम एक केस के माध्यम से आपको बताते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है ना, जब यहाँ इंसान अपने मतलब के बारे में सोचता है अपनी सिचुएशन से अलग, उसका समझ लीजिए केस है। केस क्या है आपको समझाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है ना, आँख वाँख बंद करके ईयरफोन ईयरफोन लगा के आराम से लेटिए और समझिए कि दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DDCA, के डायरेक्टर हैं संजय भारद्वाज जी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑम्बड्समैन या एथिक्स ऑफिसर जो रिटायर्ड जस्टिस बदरुद्दीन अहमद जी हैं उनको लिखा और इल्ज़ाम लगाया कि जो अपॉइंटमेंट होता है मेंबर्स का क्रिकेट इम्प्रूवमेंट कमेटी के, वो और सेलेक्टर्स जो हैं इसमें क्या करते हैं, जो सिलेक्शन होता है तो सेलेक्टर जो हैं वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि भाई अपने मतलब के लिए यहाँ पे सेलेक्टर्स अपने हिसाब से जो है वो लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसके अंदर कर रहे हैं, क्रिकेट इम्प्रूवमेंट कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब जो लेटर लिखा उस लेटर में क्या लिखा, उस लेटर में ये लिखा है ना, जो DDCA ऑम्बड्समैन को लिखा गया उसमें भारद्वाज जी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो फॉर्मर इंडिया के ओपनर थे वीरेंद्र सहवाग जी, जो कि मेंबर हैं इस कमेटी के, क्रिकेट इम्प्रूवमेंट कमेटी के, सेम शॉर्ट फॉर्म में आगे CIC बोलेंगे, इसके हैं मेंबर वीरेंद्र सहवाग जी, और इनकी खुद की अकेडमीज चलती हैं क्रिकेट को लेके, क्रिकेट की अकेडमीज इनकी खुद की चलती हैं। इसके अलावा सहवाग जो हैं वो क्रिकेट ऑपरेशंस चीफ भी रहे हैं IPL टीम किंग्स 11 पंजाब के। तो ये जो सहवाग जी हैं वो इस कमेटी के जो हैं वो मेंबर हैं, और इस कमेटी में मात्र 3 मेंबर हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इनका रोल भी बड़ा है।
उसके अलावा समझिए, DDCA के डायरेक्टर ने ये भी इल्ज़ाम लगाया अपने लेटर में कि जो सहवाग जी हैं वो एक्सपर्ट हैं इंडिया टीवी पे, और ये जो इंडिया टीवी चैनल है ना, वो भी DDCA के प्रेसिडेंट रजत शर्मा का है, और इज़ द मतलब जो यहाँ पे एक चैनल ऑफ विच DDCA प्रेसिडेंट जो रजत शर्मा है, ये एडिटर इन चीफ है वहाँ पे, ठीक है ना। अब बात क्या हो रही है यहाँ पे और समझिए, उस चैनल के अंदर एडिटर इन चीफ भी हैं। चलिए, अब DDCA के जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने इस बात पे सवाल उठाया कि जो अपॉइंटमेंट है फॉर्मर दिल्ली ऑलराउंड मयंक तहलान का जूनियर सिलेक्शन कमेटी के अंदर, ठीक है। अब ये अपॉइंटमेंट हुआ इस बात पे, क्या इन्होंने कहा कि जो तहलान है भारद्वाज जी के हिसाब से ये सहवाग जी के कज़िन हैं, और इनको अपॉइंट कर लिया गया है इस जूनियर सिलेक्शन कमेटी में। इसके साथ ये जो CIC ने सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटी को जो है यहाँ पिक करा है आपके DDCA की, तो अब एक तरीके से सहवाग जी पे ये कह रहे हैं कि सहवाग जी अपने पर्सनल हर फायदे के लिए यहाँ पे सब सिलेक्शन प्रोसेस और चीज़ों को यहाँ पे कर रहे हैं। भारद्वाज जी ने ये भी कहा ऑम्बड्समैन से लेटर के अंदर कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं अक्षय चोपड़ा के और इसके अलावा राहुल सांगवी के, ये दोनों फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, क्योंकि चोपड़ा जी की खुद की क्रिकेट एकेडमी चलती है, वाइल जो सांगवी हैं ये मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजर हैं, ठीक है ना। ये सब लिखा है उस लेटर के अंदर। फिर क्या हुआ, ओपनर जो गौतम गंभीर हैं जो कि एक एक्टिव क्रिकेटर भी हैं, ये स्पेशल इनविटी रहे इस कमेटी के अंदर, ठीक है। तो भारद्वाज जी ने ये भी कहा अपने मीडिया इंटरेक्शन के टाइम पे। अब DDCA के डायरेक्टर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जो चेयरमैन है सीनियर सिलेक्शन कमेटी के DDCA की, जिनका नाम है अमित भंडारी जी, और जो मेंबर है कमेटी के जिनका नाम है सुखविंदर सिंह जी, दोनों ही अपनी अपनी क्रिकेट एकेडमी को रन करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्म्स पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि ये तो भैया डायरेक्टर साहब ने सभी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया उठा उठा के, है ना। तो भाई हुआ क्या, इस तरह के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे ही हटाया जा सकता है। जब इस तरीके का हो तो आपके पास तीन तरह के ऑप्शन होते हैं रिस्पॉन्स करने के। क्या होते हैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ये है कि सबसे बेस्ट है कि सिचुएशन को अवॉइड कर दिया जाए, है ना, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए। जब भी पॉसिबल हो, ऐसा तुम्हें लगता है अगर कि ऐसी सिचुएशन इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, तो सिचुएशन को अवॉइड कर दो। और कमर्शियल और फाइनेंशियल कोई मैटर है अगर, तो अवॉइडेंस का मतलब ये नहीं हो गया कि भैया सीधा सीधा जो भी पैसा वैसा है सब एकदम ख़त्म कर दो, है ना, नॉन वेज बेनिफिट्स एक्सेप्ट कर लो, बिल्कुल मना कर दो, ऐसा है ना, नॉन वेज बेनिफिट्स को बिल्कुल ही मना कर दो, है ना, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ों पे आप रोक लगाओ, जो आप गौर से एकदम समझ के केयरफुली स्क्रूटनाइज करो, जानो, ऑडिट करो प्रॉपर, समझो, समझाओ, ठीक है ना। और स्पीच लैंग्वेज पैथोजेनिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच, इसके अंदर मैंने हेयरिंग साइंटिस्ट, ये सब जो होते हैं ना, आप ये समझिए, ये सब जो लोग होते हैं वो किसी प्रकार के गिफ्ट्स को ना एक्सेप्ट करें या बेनिफिट्स को ना लें, जब तक के लिए क्लियरली ये डिमॉन्स्ट्रेट ना कर दें कि ऐसे गिफ्ट जो उन्हें मिले हैं या जो उनको बेनिफिट मिले हैं वो वेलफेयर मतलब जनता के हित के लिए हैं, जिन्हें वो प्रोफेशनली सर्व कर रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रोफेशनली सर्व करे जा रहे हैं उनके द्वारा, उनके वेलफेयर के लिए गिफ्ट मिल लिए जा रहे हैं उनके द्वारा, या ऐसा हो कि गिफ्ट तो ले लिए हैं लेकिन ये हमारा कोई बायसनेस इस गिफ्ट से नहीं आएगी हमारे प्रोफेशनल जजमेंट में, ये नहीं कि मर्सिडीज़ कार दे दी और फिर उनके फेवर में करना पड़ रहा जजमेंट, ऐसा ना हो। तीसरा कि एक इंसान की प्रोफेशनल नॉलेज हमारी भाई बढ़ रही है, स्किल बढ़ रही है इस ऐसे गिफ्ट्स या बेनिफिट्स लेने से। और चौथा कि इससे हमारी डिग्निटी नहीं गिर रही है, कोई डिमिनिश नहीं है हमारी डिग्निटी को, या हमारी आज़ादी को कहीं नहीं छेड़ा जा रहा है, तब तो आप ले सकते हो। अदरवाइज जो इतने तरह के लोग हैं, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंटिस्ट, ये सब तो गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट ही ना करें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है ऐसे टाइम पे, दूसरा ऑप्शन ये है कि डिस्क्लोजर इज असेंशियली अ सेल्फ इनिशिएटेड एक्शन। जब हम कोई चीज़ सामने किसी के प्रस्तुत करते हैं, सब साफ चिट्ठा रखते हैं,
तो हम सबसे पहले खुद ही खुद तो मनाते हैं ना करने के लिए कि हमें सामने रखना है, या कोई और मेरे बदले बता रहा है तो वो तो विसल ब्लोअर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा खुद का इंटेंशन है, अगर हम खुद चीज़ों को सामने रखते हैं तो हम एक ऑनेस्टी की क्वालिटी हमारे अंदर है, और पर्सनल और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना ताकि एथिकली कंप्लायंट रहें कोर्ट के साथ में, तो ये हमारी सच्चाई को दर्शाता है कि हम सच्चे कितने हैं। तो डिस्क्लोजर वाला जो काम है ना, ये ऐसा प्रोसेस, इसमें ट्रांसपेरेंसी की, हमने सब कुछ बता रखा है, सामने रख रखा है, प्रॉपर प्रोफेशनल और एथिकल कंडक्ट, ये इंटेंशन इंटेंड होता है, ऑनेस्ट एक्यूरेट और कंपीट का, और डिस्क्लोजर दोनों ही आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिलेशनशिप को करिए, जो भी आपको मिला है, तो ये सब चीज़ें तो आप ही के बेनिफिट के लिए हैं। बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च और टीचिंग सिनेरियोज में आप कह सकते हो कि भाई दिमाग में चलता है ना कि क्या हम प्रोफेशनल काम करें या पर्सनल अपना फ़ायदा देखें, और इसके माध्यम से क्या हो जाता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता है चीज़ों का, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि एक तरीके से एथिकल वायलेशन है, आपका खुद का फ़ायदा तो हो गया लेकिन आपके अंतर आत्मा ने तो ज़िंदगी भर आपको गरियाया ना। तीसरा ये ऑप्शन है कि आप एक काम करो, ऐसी सिचुएशन से चुपचाप निकल लो, है ना। जब एक इंसान क्या कर रहा है कि एक इंसान जो है, अगर आप हैं, आप सपोज करिए कि ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपका अगर ज़रा सा भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो इससे आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। एग्जांपल समझाएं कैसे, कि मान लीजिए आप एक ऐसे कमेटी का हिस्सा हैं, एक ऐसे बोर्ड का हिस्सा है जिसमें अगर आप डिसीजन लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका या आपके किसी जानने वाले का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है इसमें, तो आप क्या करो, खुद को उस कमेटी से ही हटा दो, ठीक है ना, क्योंकि आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप सोचोगे ये आपके पर्सनल टाइज जुड़े ही होंगे या किसी और पार्टी से जुड़े हो, मान लीजिए आपके डिसीजन से, तो आप सीधा सीधा जो है उससे हट ही लो। तो नेचर ऑफ एसोसिएशन डिस्क्लोज कर लो, भैया सब बता दो क्या है क्या नहीं है, और चुपचाप अपने इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से कट लो। प्रोफेशनल ये बात इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सनल प्रेफरेंस या बायसनेस जो है वो विल नॉट अनफेयरली इन्फ्लुएंस द डेलिब्रेशंस। ऐसा समझ लो कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, वो ये है कि आपका खुद का फ़ायदा, आप ही खुद के मतलब की वजह से आपका प्रोफेशनल जो काम है, ठीक है ना, कि आप डिसीजन कहीं दे रहे हो और आपको अपना फ़ायदा हो रहा है, तो आपको अपने कार्य के प्रति एकदम सही रहना है, ना कि अपने फ़ायदे को देखना है। तो ये तीन सिचुएशंस आप समझ के क्या कर सकते हो इसमें। अब देखिए नेक्स्ट तरह की जो केस स्टडी होती है वो होती है एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज़। ये क्या तरह की होती हैं समझिए, इसका एग्जाम्पल तो बड़ा मज़ेदार है लेकिन इसको पहले समझिए। देखिए ऐसे केस स्टडीज़ होती हैं जिनका मेन फोकस ये होता है कि हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या एक्शंस ले लेंगे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग लार्ज स्केल एक्शन या इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट मैटर। मान लो हम क्या कर रहे हैं, पहले ही हमने चीज़ों को समझ लिया, जान लिया कि हमें कैसे क्या करना है, और उसके बाद हम बड़े लेवल पे उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इस तरह की जो केस स्टडीज़ होती हैं वो टिपिकली इनका यूज़ तब होता है जब एक व्यक्ति चाहता है कुछ चीज़ों का पता लगाना, मतलब कुछ छोटे छोटे मेथड्स का पता लगाना स्टडी के लिए, फॉर लार्ज या कॉम्प्लेक्स स्टडी के लिए। तो छोटी चीज़ पहले, बड़ी चीज़ के लिए उसका एक डायरेक्शन बनता जाएगा। यूज़फुल कहाँ होती है, यूज़फुल होती हैं ये कोई एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज़ होती ना उनको प्रॉपर क्वालिफाई करने में, और इनको ही अगर आपसे कोई पूछे कि इनको और क्या नाम दिया गया है, तो इनको नाम दिया गया है पायलट स्टडीज़ का भी। आप कहेंगे समझ ही नहीं आया क्या बता दिया। देखिए समझ में इतना आता है जब इंसान करता है एग्जाम्पल, तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ये एक्सप्लोरेटरी केस रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके, 2015 में पूछा गया केस है। तो हुआ क्या कि एक ऐसी जगह थी जहाँ बड़ा डिज़ास्टर आता था, पहाड़ में बहुत लैंडस्लाइड आ रही थी, फॉरेस्ट फायर भी थी, क्लाउडबर्स भी होता था, फ्लैश फ्लड्स भी आते थे, अर्थक्वेक भी आ रहा था। अब कुछ ऐसे सीजनल और ऑफन अनप्रेडिक्टेबल थे, पते नहीं चलते थे, भकाक से तो है हो गया और मुसीबत आ गई, डिज़ास्टर जब भी आए तो हो भयानक हो। तो एक सीज़न में क्या हुआ, बादल फट गया, तो जिससे खूब भारी मात्रा में बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड आ गई, इससे क्या हुआ बहुत सारे लोग मर गए, रोड टूट गए, ब्रिज टूट गए, पावर जनरेटिंग यूनिट टूट गए, इससे क्या हुआ कि 1,00,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट, दर्शनार्थी मतलब पिलग्रिम्स, दूसरे लोकल बेचारे फंस गए अलग अलग रूट में, अलग अलग लोकेशन पे। अब लोग ऐसे फंसे कि क्या बताएं, जैसे उसमें कुछ सीनियर सिटीजन्स फंस गए,
कुछ फंस गए पेशेंट हॉस्पिटल में थे बेचारे वो, कुछ औरतें बच्चे, कुछ हाइकर्स फंस गए, वो भी तो निकले थे ना घूमने टहलने, टूरिस्ट फंस गए, रूलिंग पार्टी के साथ में रीजनल प्रेसिडेंट भी थे अपनी फैमिली के साथ में, और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी भी थे नेबरिंग स्टेट के। इसके अलावा प्रिजनर्स बेचारे जेल के अंदर जो कैदी बंद है, वो भी तो उनकी लाइफ भी तो मैटर करती है ना। तो एज अ सिविल सर्विस ऑफिसर स्टेट का, क्या भैया आपका तरीका होगा कि आप इन लोगों को किस, भाई आपके पास तो फोर्स तो लिमिटेड ही है, तो आप किस तरीके से इन लोगों को बचाओगे? 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो समझिए मेरे, ये केस किसके अंदर आता है? ये केस आता है कुछ चीज़ों के अंदर, जैसे कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये सब हम अभी आगे करेंगे, चैप्टर्स अलग अलग हैं। दूसरी बात, इसमें आते हैं कॉन्सेप्ट एक लगता है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तीसरा, इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है इस केस के अंदर, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का। और चौथा जो है वो लग रहा है मॉरल वैल्यूज एंड कंपैशन का। अब थोड़ा सा और समझिए, केस क्या कह रहा है। आपका डिसीजन किस बेसिस पे यहाँ पे होगा? आप जितना सामने वाले को समझ के चल रहे हो, कंपैशन पे होगा, आपकी प्रायोरिटी पे होगा सिविल सर्वेंट की। इस सिचुएशन को ऐसे डील करना है कि कैसे कम से कम लोगों की लाइफ को खतरा पहुंचे। अप्रोच क्या करनी है आपको? अप्रोच इस तरह से लेनी है कि आप क्वालिटी समझिए, एक कॉमन गुड अप्रोच को रखिए, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को रखिए, और आंसर इस तरीके से आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल एक बताऊँ अगर, तो हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले जो पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर उनको देखेंगे। क्यों? क्योंकि बेचारे सबसे ज़्यादा खतरे में तो वहीं, डिजास्टर के टाइम पे वो ऐसे ही नहीं चल पा रहे, और ऊपर से अगर जो है मुसीबत आ जाएगी और ही मर जाएंगे बेचारे। अच्छा, प्लस बात ये है कि वो कम है नंबर ऑफ में भी है ना, जितने हिसाब से देखे जाए तो बहुत हज़ारों तो पेशेंट्स होंगे नहीं। दूसरे नंबर पे बेचारे वो बूढ़े लोग, सीनियर सिटीजन्स, तो ये वल्नरेबल मेंबर है अपनी फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, तो आप इनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते लंबे वक्त तक। वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि वो बूढ़े हैं, फिजिकली हैंडीकैप है, तो थोड़ी ना चल पाएंगे बना भर। तीसरे नंबर पे औरतें और बच्चे, विमेन एंड चिल्ड्रन, हाईली वल्नरेबल होते हैं डिजास्टर के टाइम पे। फिजिकली तो होते ही हैं, बट इमोशनली भी बहुत जल्दी बच्चे डर जाते हैं, और बच्चे अगर ऐसे होंगे ना तो ये आगे तक अपने साथ इस ट्रॉमा को लेके जाएंगे, तो इनको सबसे पहले बचा लो। चौथे नंबर पे आते हैं प्रिजनर्स इन जेल। अब वो जेल में है तो वो जा ही नहीं सकते ना इधर उधर, हाँ, तो डिजास्टर के टाइम पे तो अगर उन तक कोई मुसीबत आई तो वो एकदम ही मर जाएंगे, अपने आप की मदद भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको भी अटेंशन की ज़रूरत है। फिर आए टूरिस्ट। अब देखो, टूरिस्ट को बेचारों को बहुत कम पता है कि वहाँ क्या होएगा, लोकल कंडीशंस क्या हैं, ठीक है ना, तो उनको कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि भाई उनको लाइफ सपोर्ट सब्सटेंसेस भी उनके पास कुछ नहीं होंगे, वो घूमने निकले हैं, कोई भी न्यूट्रिशनल या लाइफ सपोर्ट सब्सटेंसेस वो नहीं होंगे, उनको बचाओ। फिर छठे नंबर पे बचाओ रूलिंग पार्टी के रीजनल प्रेसिडेंट को और उनकी फैमिली को। क्यों? क्योंकि उनका पॉलिटिकल लिंकेज है, तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट तो करवा ही सकते हैं अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, खतरा इनको रुक सकता है, इनके पास फैमिली है, तो इनको भी निगाह से निकालो, ठीक है ना, इनकी इच्छा भी होगी कि निकल जाए हम। सातवें नंबर पे आप निकालो चीफ सेक्रेटरी ऑफ अदर स्टेट को। देखो, इनको ट्रेनिंग बढ़िया मिलती है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो वो रुक सकते हैं जब तक के लिए बाकी लोग रेस्क्यू करे जा रहे हैं। और आखिरी में निकालो हाइकर्स को। इनको बड़ी चुल मची थी ना आने की, घूमने की, तो आखिरी में करो, क्योंकि इनके पास ट्रेनिंग भी है, इक्विपमेंट भी है, ऐसे टाइम पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना, चैलेंजिंग टेरेन से डील करने के लिए, तो इजिली ये रुक सकते हैं। इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया गया कि आप इस तरीके से डील कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से जो चाहो वैसे रखो सिचुएशन को, ठीक है। चलिए, तीसरी तरह की केस स्टडी को समझते हैं साथियों, वो है क्यूमुलेटिव केस स्टडी। अब क्यूमुलेटिव केस स्टडी में क्या है कि ये इस तरीके की, मतलब ये ऐसे सक्सेसिव केस स्टडीज़ होती हैं जो पुरानी केस स्टडीज़ का यूज़ करती हैं, या पुरानी सिमिलर सिचुएशन का यूज़ करती हैं, कि पहले जो हुआ था उसी पे निर्धारित आधारित, मतलब यहाँ पे आगे की सिचुएशंस को बनाया जाता है, ठीक। काफ़ी मददगार होती हैं ये आपकी, जैसे पुरानी केस स्टडीज़ से अभी ये कॉमन मिल जाएंगी और उन्हीं के बेसिस पे केस स्टडी बनाई जाती है। तो ऐसे केस स्टडी में सवाल ये उठता है कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक को ही आगे लाया जाता है। अब इसको हम एग्जांपल के माध्यम से आपको बताते हैं। एक केस हुआ था विसल ब्लोइंग एंड व्यापम केस, है ना, इसी का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। तो व्यापम क्या है पहले ये समझ लें, यहाँ पे लिखा है ना, देखो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से एम पी
पीईबी, एमपीपीईबी क्या है? मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे कॉमनली जाना जाता है अपने हिंदी एक्रोनिम व्यापम के नाम से. व्यापम, व्यापम क्या है? व्यावसायिक परीक्षा मंडल. ये कहता है कि हम इकलौते ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कंट्री के अंदर जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं एंट्रेंस के लिए अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज में, हर साल करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे करते हैं. कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो कराते ही कराते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग के लिए. इसके अलावा व्यापम जो है वो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस भी कराता है अलग अलग स्टेट लेवल की पोस्ट के लिए, जिन्हें आप पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं फिल करता, उन पोस्ट को भी यही फिल कराता है. तो दिक्कत क्या आ गई? स्कैम हुआ तो हुआ कहाँ? देखिए हुआ क्या कि अंदर अंदर व्यापम के द्वारा जो एग्जामिनेशन कराए जा रहे थे उसमें थी गड़बड़ी. जो काम करने का तरीका था उसमें क्या था कि जो ऑफिसर्स थे वो ब्राइब ले रहे थे, घूस खा रहे थे, या आंसर शीट में फोर्जरी देखने को मिल रही थी. हाँ, कैंडिडेट और मतलब आप समझिए कि इसमें क्या करा जा रहा था कि सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ करी जा रही थी. तो जो स्कैम है इसके अंदर ये था कि ये इल्ज़ाम लग रहा था कि जो एम्प्लॉयर करवा रहा है उसमें वो प्रॉपर जो है दूसरे लोगों को बैठाल के पेपर लिखवा रहा है कैंडिडेट के बिहाफ पे. तो रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए ये केस कब हुआ, ये केस हुआ था 2008 और 2013 में, ठीक है ना, ये दो टाइम की बात है. तो पहली बार कब आया सामने है? तो मतलब इन दोनों 2008 से 13 के बीच में ये कांड हुआ है. तो सामने कौन लेकर आया, पहली बार हुआ क्या? हुआ क्या कि एक इंदौर बेस्ड डॉक्टर साहब थे और एक्टिविस्ट भी थे, नाम था डॉक्टर आनंद राय जी. इन्होंने एक पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे फाइल करा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में. पीआईएल में ये था, लेट टू चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान सेटिंग अप. अब इससे क्या हुआ, ये पीआईएल फाइल करी गई तो यहाँ पे इन्होंने चीफ मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी थे, इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और इस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा सन 2011 में. दो साल के बाद की बात है, सन 2013 में विसल ब्लोअर जो राय साहब थे इन्होंने भी सब सामने लेकर आया. ये कहा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो तो एडमिशन मेडिकल कॉलेज में पा गए हैं स्टेट के अंदर फ्रॉड तरीके से. इसमें क्या कर रहे हैं, किसी और को बैठा के एग्ज़ाम दे रहे हैं या घूस खिला रहे हैं, ब्राइबरी ले रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन को, ये सब को सुनने के बाद दे दिया गया स्पेशल टास्क फोर्स को तब. और तब से देखा गया कि करीब 2000 से ज़्यादा लोग, जिसमें स्टूडेंट, मिडिलमैन, बिजनेसमैन, पब्लिक ऑफिशियल, पॉलिटिशियन, ये सब लोग हैं, ये सारे के सारे अरेस्ट हुए हैं इस स्कैम के चलते. तो अब बात आए कि इतना बड़ा केस होता है तो मैम हम फिल्मों में देखते हैं कि लोग मरवा देते हैं. हाँ हाँ, बहुत सारे लोग मरे भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे. मालूम है, थोड़े बहुत नहीं, 50 लोग के आसपास मरे 2009 के बाद से, जब व्यापम स्मैन पहली बार सामने उबारा गया. ज़्यादा फैक्ट जैसे जैसे सामने आने लगी वैसे वैसे मौतें भी सामने और बढ़ने लगी. नियरली हाफ ऑफ द पीपल डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज, जैसे कि अचानक से मर गए, लोड एक्सीडेंट हो गया या एकदम से गायब हो गए. तो 2015 में ही 8 लोग तो तभी मरे हैं क्योंकि इतने बड़े लेवल की चीज़ हो रही थी, सब लोग इन्वॉल्व थे और अपना अपना फायदा सबका चला जा रहा था. तो अब बात आई कि जिन्होंने भांडा फोड़ा, जो विसल ब्लोअर थे, उनका क्या हुआ. देखिए जो स्कैम है, इसने देखा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट आने लगे सामने और यहाँ सब सच्चाई लाने लगे मध्य प्रदेश की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की. इसके अलावा आनंद राय विसल ब्लोअर जो इस केस के अंदर थे, इसमें आशीष चतुर्वेदी एक सोशल एक्टिविटिस्ट थे ग्वालियर से, इसके साथ साथ प्रशांत पांडे एक फॉर्मर IT कंसल्टेंट थे जिन्हें STF ने हायर किया था. तो सारे के सारे ने ये अब पुलिस के सामने कंप्लेन करी कि भैया हमको, हमारी जिंदगियों को, हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये लोग हम लोगों को बहुत धमकाते हैं, हैरेस करते हैं, है ना. तो जो है जब से हमने स्कैम को एक्सपोज किया है तो इतने बड़े की इतना खतरा होता है विसल ब्लोअर्स के सामने जब जो है वो भांडा फोड़ते हैं वो लोग किसी भी ऐसी कंपनी का. ठीक है, समझ में आया क्यूमुलेटिव केस स्टडीज़ क्या होती हैं. ठीक, अब आइए क्रिटिकल केस स्टडीज़ लास्ट है, उसको समझते हैं.
साथियों, ये ऐसे केसेस होते हैं जो बेस होते हैं सिचुएशनल कंडीशंस पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, और ये केसेस काफ़ी यूनिक होते हैं, सिचुएशन बेस्ड होते हैं इंडिविजुअल की। और अब एक व्यक्ति के सामने, एक इंडिविजुअल के सामने एक डिलेमा होता है, गफलत होती है कि भाई हमने आज तक जो जाना समझा, हमारी इनर कंसाइंस क्या कहती है, हमारे पास क्या है, उस बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ता है। एग्जाम्पल आइए लेके चलते हैं कि टू विसल ब्लो अगेंस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री और नॉट, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, 2016 का केस है। तो क्या हुआ कि एक बंदे ने इंजीनियरिंग कॉलेज से बढ़िया ग्रेजुएशन करा और एक जॉब पा गई एक बहुत अच्छी जानी मानी केमिकल इंडस्ट्री में। अब जो लड़की थी ना जिसने जॉब पाई, उसको काम करना बहुत पसंद था, सैलरी बढ़िया थी। हालांकि जब कुछ महीने बीते तो इसने ये देखा कि भाई इस इंडस्ट्री का बहुत ही जहरीला टॉक्सिक वेस्ट जो है वो बहाया जा रहा है पास की नदी में। ये तो भैया बहुत दिक्कत वाली बात थी। इसकी वजह से हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है गांव वालों को जो नीचे रहते हैं, जो इस रिवर के पानी पे ही डिपेंडेंट करते हैं नहाने धोने पीने के लिए। अब उसका हो गया बेचारी का मूड ख़राब और वो डिस्टर्ब रहने लगी। उसने आसपास अपने संगी साथियों से बताई ये बात, जो कंपनी में बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे थे। तो भैया वो कलीग्स ने कहा, भैया चुप बैठो, इस टॉपिक को बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि आप ये समझिए कि जॉब भी चली जाएगी और दिक्कत भी हो जाएगी। अब वो लड़की क्या करती, वो इकलौती अपने घर में कमाने वाली थी, उसके माता पिता थे, भाई बहन थे, और ये उसको जॉब अभी मिली थी और वो अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहती थी। शुरुआत में तो उसने कहा कि अगर उसके सीनियर्स चुप हैं तो वो क्यों बोले, फालतू में वो क्यों कूदे। बट धीमे धीमे अंतरात्मा आवाज़ देती है ना, कंसाइंस, उसने कहा अरे अगर तुम ऐसा करोगी ना तो लोग जो इस पे पानी पे रिवर पे के पानी पे डिपेंडेंट हैं, उन सब एक तरह से मर जाएंगे। दिल में उसको लगा कि चुप नहीं रहना चाहिए, और ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई। दोस्तों ने कहा कि मतलब चुप रहो ठीक है, लेकिन तब भी उसको ये लगा कि दोस्त जो है गलत कह रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ उसे नहीं करनी चाहिए। तो अब उसको लगता है कि हाँ, वो आपके सामने आई है आपसे सवाल पूछने कि आप बताइए क्या करें, ठीक है ना। तो क्या आर्ग्यूमेंट होंगे जो आप दोगे टू शो हर दैट कीपिंग क्वाइट इज़ नॉट मॉरली राइट, ठीक, या चुप रहना सही नहीं है। और दूसरा कि क्या आप कहोगे वो कि वो क्या करे आखिरकार, है ना, आप अडॉप्ट मतलब क्या वो ऐसा एडवाइस दोगे आप कि वो उसको जो है आपके एडवाइस को ले, और क्यों आखिरकार उससे क्या होगा फ़ायदा। देखिए ये जो केस है, इस केस के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, वाई शुड आई बी मॉरल, तीसरा कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, और चौथा आता है मोरालिटी। तो आइए इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ, प्रिमाइस बनाऊँ। तो ये क्वेश्चन, आप एक होता नहीं, एक डेविल है हमारे अंदर और एक हमारे अंदर जो है वो परी है, हाँ, तो ये दोनों लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ये हमारी इंटरनल फाइट है इनर कंसाइंस के बीच में और नीड ऑफ फिजिकल वर्ल्ड के बीच में। अब एक ग्रेजुएट हुई लड़की है, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको आसानी से दूसरी जॉब मिल जाएगी, भगाओ इसको यहाँ से, तो जो डिपेंडेंसी है इसकी तो वो इसको रोक रही है, और साथ में क्या इसके ऊपर परिवार वाले डिपेंडेंट हैं, तो ये भी एक बात है। तो इसका डिसीजन इससे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से घिरी है वो। तो आंसर की अप्रोच कुछ इस तरह से हो कि इस टॉपिक को प्रॉपर आप डिस्कस करके सपोर्टिव सजेशन दो, जैसे कि ये अगर चुप रहती है तो ये चुप रहे, प्राइवेट कंपनीज के इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट नहीं करा गया है आर्टिकल नंबर 311 के तहत, जैसे कि आईएएस ऑफिसर को किया गया है, तो इनको तो किया नहीं गया है। अगर इसे कंपनी से निकाल दिया गया तो हो सकता है कि इसको दूसरी जॉब कहीं ना मिले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, समझ ही रहे हैं आप, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के बीच में, और हज़ारों लाखों इंजीनियर निकल जाते हैं, कहाँ से जॉब पाएगा। और ये अलग अलग एनजीओस के पास जा सकती है और एनजीओ से पूरी बात बता सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप देखो ये मेरे पास प्रूफ है कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है, और आप लोग मेरी जगह पे जो है आवाज़ उठाओ, सवाल उठाओ, लेकिन प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी, ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट कर सकती है। तो ये और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, अपने आप पे भरोसा करे और कहे कि हम दूसरी जॉब अप्लाई करते हैं, और जहाँ दूसरी जॉब मिल जाए तो ये काम करके इस जॉब को छोड़ दे।
और आखिरी में आप आंसर में ये भी लिख सकते हो, है ना, कि भाई आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप बोल दो। तो जो एथिकल डिलेमा है या एथिकल पैराडॉक्स है, ये डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है दो पॉसिबल मॉरल इम्पेरेटिव्स के बीच में, ठीक है। अब कोई आपको चीज़ें क्लियर नहीं मिल रही हैं, या एक चीज़ ऐसा नहीं है, नीदर ऑफ विच इज़, मतलब अगर आप एक कुछ भी सामने चीज़ें रखोगे तो एकदम स्ट्रेट नहीं है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में। अब बात क्या आती है कि जो बेस्ट टू बेस्ट हो आप उसको रखो। तो केस स्टडी बेसिकली डिलेमा ही होता है चूज करने के बीच में, कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप करें तो करें क्या। उसमें बहुत फैंसी आंसर मत लिखिएगा, अरे मैं तो जाऊंगा, मैं तो कर दूं, नहीं। आप उस समय सिचुएशन में खुद को रखिए, तभी कहते हैं कि GS4 जो है ये पेपर आपको एज एन ऑफिसर देना होता है, ना कि एज एन एस्पिरेंट, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ जो हैं इंटेंडेड बेनिफिशरी की, वो क्लास ज़रूर करती हैं ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन के साथ में, और एथिकल कन्फ्लिक्ट जो है वो तो आएगा ही, है ना। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे कर लिए। अभी हमें लगता है बहुत लंबा चैप्टर हो गया है, तो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे ब्रीफ ऑन केस स्टडी करेंगे तो वो हम अपने नेक्स्ट में कर लेंगे। फिलहाल अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो प्यारे साथियों, तो मेरी आपसे बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेम्बरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें एक व्हाट्सएप का भी इंक्लूड हो गया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे साथियों, आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर भी आप इन वीडियोज़ को पा लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।